तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज ड्रॉ करने वाला हूँ WDM3A को, और ये पूरा वीडियो कलर ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो ये कलर ट्यूटोरियल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ड्राइंग। तो इसको जिसने अभी ये वीडियो नहीं देखा है आउटलाइन ट्यूटोरियल का, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को एंजॉय करिए, बाद में अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल सा एक येल्लो और रेड, बस आपको यही दो चीज़ चाहिए। तो मैं यहाँ जहाँ मैं वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में आउटलाइन बनाया था, उसी के ऊपर आपको चलाना है। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप पुरानी आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो में जाइए और देख देख के बनाइए, फिर आके ये वीडियो देख के उसको कलर कीजिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसा नया ड्राइंग, नए नए तरह की ड्राइंग आपको मिलते रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे पोस्ट डालता रहता हूँ, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी बना रहे थे, यहाँ मैंने यूज़ किया 6B पेंसिल और 10B, तो यहाँ मैं अच्छी तरह से 10B कर दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ हो गया है, तो अभी मैं करूँगा पीछे का साइड। तो यहाँ हम लोग करते हैं, तो यहाँ हम लोग अच्छी तरह से पूरा अभी सेट कर देंगे, जिसके वजह से थोड़ा सा और ब्लैक ब्लैक लगेगा, पूरा एकदम ब्लैक मत कर देना, थोड़ा करना जिसकी वजह से असली लगे। तो अभी यहाँ ये दोनों पार्ट हो गया, तो अभी हम लोग हैंडल बनाते हैं ट्रेन का, वो जो आगे खड़ा होने के लिए होता है ना, येलो कलर का वो, तो वो बनाते हैं। तो यहाँ भी ये भी हो चुका है अच्छी तरह से, तो अब इस साइड का भी कलर कर लेते हैं। तो इधर का भी हो गया है, तो अभी हम लोग आगे का रेड लाइट, जो ट्रेन को लाइट देने का काम आता है ना, वो बनाते हैं। तो ये लाइट और ये है, तो यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ डस्ट है ना, तो ट्रेन के मतलब डस्ट लगा रहता है, तो वो सेट कर लेंगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगता है। तो यहाँ मैं वाइट जेल पेन से अच्छी तरह से जहाँ जहाँ वाइट हुआ है वाइट कर लेता हूँ। आप वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो 10-20 रुपये का मिल जाता है वो। और यहाँ मैं हॉर्न और यहाँ पीछे जहाँ स्मोक निकलता है ट्रेन का, वो भी बना लिया हूँ, और इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगा मैं। तो अभी यहाँ मैं बना रहा हूँ पीछे के ये ट्रेन के सेड, तो यहाँ मैंने ये भी कर लिया, और अभी ये पीछे का करूँगा। तो यहाँ पीछे का भी मैं जहाँ आपको पिंक दिख रहा है, वो असल में रेड है, लाइट चलाओगे तो ऐसा ही दिखता है। तो अभी हम लोग येल्लो येल्लो कर लेते हैं, तो फटाफट मैंने यहाँ येल्लो येल्लो कर लिया है, ऐसे ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो ये हाँ, हम लोग इसके नंबर भी बना देते हैं और यहाँ भी कर लिए हैं। तो अब नीचे पूरा रेड कर देते हैं अच्छी तरह से, और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क कर देंगे, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट कर देंगे। तो अच्छी तरह से आप टाइम दे के करना, ठीक है, जल्दबाजी में ड्राइंग मत करना। और ये जो मैं इतना तेज कर रहा हूँ, वो मैं फास्ट किया हूँ, और स्लो करना, असली में मेरे को इसको बनाने में 2-3 घंटे लगे हैं। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा टाइम लगा करना, जल्दबाजी में ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा के करना। तो अभी हम ब्लैक कर दूंगा और ब्लू से विंडो बना दूंगा। तो पीछे का बनाते हैं, तो पीछे का भी हो गया, तो अभी आगे का ट्रेन का इंजन बनाते हो। तो यहाँ मैंने रेड कर रहा हूँ पूरा, आगे का पूरा ही मत रेड कर देना, कुछ कुछ जगह छोड़ देना। तो अभी हम लोग इसके आगे का
बम्पर ये सब बना लेते हैं जो इसको काम आता है। तो यहाँ मैंने ये भी कर लिया है और नीचे अभी करेंगे तो थोड़ा डस्ट है तो पेंसिल स्ट्रेट कर लेंगे, डस्ट वाला आ जाएगा इफेक्ट। और इधर भी तो अभी मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ एचबी पेंसिल पूरा सेट कर लिया, उसके ऊपर 6B से डिटेलिंग कर दिया। तो अब मैं बनाऊंगा ग्रास। तो अब यहाँ रेलवे लाइन के लिए मैंने यूज़ किया है ब्राउन, तो ये यहाँ हो गया है ब्राउन। और यहाँ मैं अभी सेट किया था एचबी पेंसिल से जो सीमेंट का कुछ जगह लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय, टाटा।